मैं एक बार पहली बार एक मंच पर आया हूं मैं पूरा चुनाव में, लेकिन जो तो निर्मल बाहर निकल आए के बाद हमेशा छोटा भाई की थी हम आगे सागरी हो परिवार में आपस में काम रंग झगड़ो भी हुए प्यार भी गिरे हुए सब तरह की बात है। और जब मैं एमएलए बन रही हो तीन पंचायत में वो खुद एक एक घर में जा भी थोड़ा सामान जितना वो वसूल मेहनत करी जी के बाद जब एमपी चुनाव आया बी टाइम दोबारा खड़ी हो और बी के बाद पंचायत समिति का चुनाव कतो चुनाव है पंचायत को बिक माए वापस आ जबकि पंचायत की ड्यूटी बटा आपकी ड्यूटी थी। और मैं जब यूथ कांग्रेस को चुनाव लड़ रहे हो बी टाइम आपकी यूनिवर्सिटी घर परिवार छोड़ और बाद में जैसलमेर हो गई थी। तो आज यदि चुनाव लड़ने की बारी आई बी टाइम सिर्फ की मुकेश भाकर को ठप्पो लागे तो और टिकट काट लिया तो दया पर कभी राजनीति सब बात का सर्वे कराओ सब चीज है था लेकिन सिर्फ के किसान को बेटो है पिता को लगा सके और मुकेश भाकर की टीम की छाप लागे रही है कि वजह टिकट काट ले हो तो दया पर राजनीति को करा जब तक जोर में टांगड़ा जबकि राजनीति करा कोई परिस्थिति बने और पूरा प्रयास कर आज तक निर्मल का धन्यवाद देना चाहूं मैं कि मैं 2005 में जब जयपुर गयो बीव ले राज 2022 है कम कम 100 मीटर की मदद करी हुई किया गया घर लाख मीटर बनाया होगा लेकिन जब टाइम आयो ना तब भी दिखाई जाए तो हर कोई तो देवे पानी क्योंकि नियत खराब है सच्चो आदमी की वजह अपन लोग जीत रहे हैं। मैं अपनी बात की ये सुनता हमेशा छोटा भाई की जी और आगे भी कि लालूई को विशेष प्रेम दियो आपको पिछला चुनाव हर चुनाव में आपकी ड्यूटी हटा दी हो और आज खटई चुनाव में कोई कह वो जीता दी वो जीता दी खुद की मेहनत तो जीत रहे हो और आबाला टाइम में जद कदे भी और मैं इसकी सब बड़ी बात को कायली बात कहूं कि जब जीत के बारे निकलो तो लोग कोई नहीं खड़े देवे कोई नहीं क्योंकि जब आपकी जीत ने किसानों को समर्पित करी जिता सही दिया किसान आंदोलन निकलो जब देख रहे अभी तो बिन आपकी जीत ने किसानों ने समर्पित करी भी के लिए प्रत्येक किसान परिवार 36 कोम का लोग इन देख रहे के बारे निकल निर्मल का ही बोली और माने जी को श्रेय दे वो तो झूठो थे खुद की मेहनत ही थी और फिर कहते हो कि भाई जब पूछोगे कि निर्मल चुनाव तो मैं कही कि साहब चुनाव लड़े लो टिकट दो तो लड़ी नहीं दे तो लड़े मारा तो मैं लड़ा पानी और कल दूसरी पार्टी जो के लिए तीन बिठावा गया और पूरी ताकत मार रहा चुनाव लड़े और खुद जीत रहे और आज इन आदोर में छात्र राजनीति निकले रह जाता लोग हम एक नए नाम निर्मल को शामिल हुए आवारा टाइम में मैं तो कहना चाहूं कि छोटा भाई की जी है आम परिवार का लोगों की आम गरीब किसान को बैठो जब बैठे जयपुर जाओ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए दर दर की खोखना खावे जबकि कोचिंग है जगह के अंदर मनमानी फीस लोग ले गए बाकी अगर फीस में अब मदद कर पाया बाकी एडमिशन में मदद कर पाया तो आपने जीत है नहीं कई अध्यक्ष बने कहीं ग्रह हो जाए लेकिन और निर्मल हमेशा आपकी पूरी ताकत हूं 22 साल को यूनिवर्सिटी को कहूं कम उम्र को अध्यक्ष बने आशाओं करने के लिए और आता वो टाइम राजनीति राजनीति तो आगे आप करता रहे लेकिन जब टाइमिंग मिले मैं अति कहना चाहूं कि छात्र राजनीति में जितनी छात्रा की आम गरीब जो आखिर में बैठे आदमी है बीका बेटा बेटी को एडमिशन किए हुए बानी यूनिवर्सिटी में जाओ तो दर्द की ठोकर नहीं खानी पड़े इसके लिए वो काम कर सी और हमेशा छोटा भाई की जी रेडो है चुनाव खुद के दम पर जीत रहे है और आज आबाला टाइम में पूरी मजबूती राजनीति करी ये बात को मैं आशीर्वाद और भरोसा दू और सब लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँ की अत्या मान सम्मान अति ताकत थे सब लोग पधारिया अब जगह लोग स्वागत करना चाहे जो मदद करना चाहो मां को नाम गिरधारी जी बोली मैं एक बार कालू जी चाहूँ की धन्यवाद देना चाह रहा कालू जी ये आपकी बात में रखी और एक बार पुनः सबको धन्यवाद जय हिंद जय भारत मुखर्जी।